नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करे। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। जमानत बचा लें, जो पहला दो चुनाव का फेज का चुनाव हुआ है, जमानत बचाए, कई सीटों पे पता चल जाए। तेजस्वी जी खुद डिप्रेशन में है, उनका बयान यही बताता है, हताशा, निराशा। और जिस दिन रिजल्ट आता है ना, तो ये लोग दरवाजा बंद करके घर में अंदर चले जाते हैं, आप लोग से भी भेंट नहीं होता है। तो 4 जून को तेजस्वी जी से आप लोगों की भेंट नहीं होगी, क्योंकि उस दिन इनका स्कोर 0 रहने वाला है। परिवारवाद वाले लोग जो ग्रसित है परिवारवाद से, वो भला गरीबों की हित ऐसी हो सकते हैं? तो विपक्ष जो है, विपक्ष कहीं नहीं है, लड़ाई में कहीं नहीं, एक तरफा माहौल जो है एनडीए के पक्ष में। राजद सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव ने एक्स हैंडल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल खड़ा किए हैं। वहीं पे उन्होंने कहा है कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी संविधान को साइड करके जनता के बीच झूठ और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया, एनडीए के नेता हैं और बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ मंत्री मंगल पांडे और साथ ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से, तो तमाम लोग खूब बरसते हुए नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे तमाम नेता, सबसे पहले आप वो सुने। देश में मजाक नहीं हो रहा है। उनके पिताजी 15 साल मजाक ही किए थे बिहार में। ये देश में मजाक नहीं हो रहा है, देश लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को क्या किया है, बिहार की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करे। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। जमानत बचा लें, जो पहला दो चुनाव का फेज का चुनाव हुआ है, जमानत बचाए, कई सीटों पे पता चल जाए। राहुल गांधी जी इस देश को समझे कहां? उन्होंने तो समझा है इटली को, उन्होंने समझा है ब्रिटेन को, उन्होंने समझा है दुनिया के वैसे देशों को, जिन देशों ने भारत का नुकसान पहुंचाया। तो वैसे देशों के इतिहास को जो समझता होगा भारत के इतिहास के बारे में, उससे इससे इसके अलावा कुछ अतिरिक्त टिप्पणी की आशा भी नहीं की जा सकती। जैसे यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डिप्रेशन का शिकार हो गए, सिर्फ झूठ बोलने का नारा भी बोल रहे हैं। तेजस्वी जी खुद डिप्रेशन में है, उनका बयान यही बताता है, हताशा, निराशा। और जिस तरीके से जनता की उपेक्षा वो देख रहे हैं, उनको दिख रहा है, 2019 हो, 2014 हो, 2009 हो, हर वक्त उनके पिताजी ने भी ऐसे ही वायदे किए थे चुनाव के पहले, जैसे आज तेजस्वी जी करते हैं। और जिस दिन रिजल्ट आता है ना, तो ये लोग दरवाजा बंद करके घर में अंदर चले जाते हैं, आप लोग से भी भेंट नहीं होता है। तो 4 जून को तेजस्वी जी से आप लोगों की भेंट नहीं होगी, क्योंकि उस दिन इनका स्कोर 0 रहने वाला है। परिवारवाद वाले लोग जो ग्रसित है परिवारवाद से, वो भला गरीबों की हित ऐसी हो सकते हैं? तो विपक्ष जो है, विपक्ष कहीं नहीं है, लड़ाई में कहीं नहीं, एक तरफा माहौल जो है एनडीए के पक्ष में। अरे विपक्ष क्या बोलेंगे, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? जो परिवारवाद से, जो परिवार से अलग सोच ही नहीं सकते हैं, वो भला राज्य और देश का सेवा क्या करेंगे? तो आपने सुना किस तरीका से लालू प्रसाद यादव पे और तेजस्वी यादव पे बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने कार्यकाल को याद करें, कि राबड़ी देवी के कार्यकाल में और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में क्या कुछ बिहार में हुआ था, वो क्या कहेंगे? मजाक थोड़े चल रहा है देश में। जिस तरीका से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है, उस काम को लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं मंगल पांडे भी खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू राबड़ी के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ था, सभी जनता जानती है। और इस बार जो है बिहार में फिर से 40 में 40 जनता जो है एनडीए के पक्ष में वोट करने जा रही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।